पूरी तरह से फ्राई हो गया दोस्तों, बढ़िया से एकदम। लोग भी थाली लेके रेडी है, तब मिलेगा चिकन नर्ड। सुंदर लग रहा है दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? मैं तो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे दोस्तों। आप लोग खा रहे जिलेबी? अभी आज हमारा बनेगा, आज बहुत दिनों बाद दोस्तों हम लोग बनाने जा रहे हैं आज चिकन। कि आप लोग भी देखेंगे ब्लॉग में कि कभी खाते ही नहीं, आप लोग भी बोलते कमेंट करके कि आप लोग नॉनवेज खाते क्यों नहीं है। तो आज फाइनली नंदिनी बनाएगी बहुत दिनों बाद चिकन दोस्तों। तो आप लोग भी ब्लॉग पे बने रहिएगा, आप लोग को भी मिलेगा खाना। तो जो नहीं खाते उनके लिए सॉरी दोस्तों, लेकिन हम लोग इस बार खाएंगे देसी स्टाइल में बनाएंगे दोस्तों। चिकन अभी बहुत ही स्पाइसी बोलती है जो भी। और चूल्हे पर बनेगा दोस्तों आज ना, लकड़ी है ना इतने सारे। हाँ ये देखिए लकड़ी जो हमारे जंगल से निकला था, हमारे जमीन से, उसी लकड़ी को नंदिनी आज जलाएगी दोस्तों। चलिए ब्लॉक में बने रहिए। तो देखिए दोस्तों हमारा चूल्हा भी कितना अच्छा से जल गया है और कितना अच्छा से आगे पकड़ा है, ये देखिए ना जलने लगा लकड़ी सब। इसी में आगे हम भात चढ़ा, सब लकड़ी सूख गया है ना। अभी और भी लकड़ी निकलेगा उसमें पता है, अभी तो आ रहा है बहुत बाकी है वहाँ से लाना लकड़ी, मगर नहीं लेके आ रहे कि इतना काम हो जाता, काम करते करते ही टाइम पार हो जाता हमारा। तो लो पानी, इधर नंदिनी अपना लगी हुई है, लेवा लगा रही है। लेवा लगा दे रहे तो मेरे बर्तन एकदम चकचक रहना चाहिए और काला नहीं होगा, काला भी नहीं होगा। और इधर हमारा आगे भी अच्छा जल, पानी दे दीजिए बाबू, पानी डाल देते ठीक इतना हो जाएगा। हाँ हो जाएगा ढक्कन। चलिए यहीं पर लकड़ी लगाते रहना, कितना अच्छा से आगे स्पीड में जा रहा, अच्छा जल रहा। लेकिन आपको बोले तो कहे ना क्या दरकार है, लेकिन बोले लगा कि जलेगा लकड़ी। आपको कुछ नहीं लगता, मैं हूँ जुगाड़ू लाल। चलिए देखते हैं, उचकुन देना होगा जो यहाँ पे। हाँ उचकुन तो लगेगा, लेकिन उचकुन दे देते हैं, गोईठा का उचकुन दे दी है। और इधर से हम अच्छा से आँच इधर लगाएंगे ना तो हमारा इधर खाना भी बन जाएगा। और अभी हम मसाला वसाला सब लेके आ जाएंगे, यहीं पे काट उट लेंगे, नहीं तो चले जाएंगे ना उधर, तो इधर हमारा चूल्हा मुन जाएगा। और ऐसे तो ये फुसफुसिया लकड़ी है, तुरंत मुन जाएगा। तो चलिए फाइनली नंदिनी का चूल्हा मिल गया दोस्तों, जल गया, जल गया, मजाक उड़ाएंगे, भगवान देखता है जो हंसता। अभी प्रमीन का धुआं हो रहा था ना, चलिए जल जा रहा है चूल्हा। इतना बड़ा बड़ा शहर में छोटा मोटा घटना हुआ करता है। प्याज व्याज सारा काट लेते हैं, जितना भी मसाला वसाला है ना सब एक जगह रख लेते हैं। और इधर हमारा चावल हो ही रहा है, मतलब अधन बैठा है, अभी अधन आएगा तब हम चावल में रहेंगे, तब तक इधर काट लेते हैं दोस्तों। तो ब्लॉक पे बने रहिए। तो हमारा पानी गर्म हो गया अधन और हम चावल अब देते हैं। गुल्लू उठ चुका है, सो रहा था वो, अभी उठा रोने लग गया। गुल्लू जी क्या हो बेटा तू? तो हमारा भात हो गया है, देख सकते हैं कितना अच्छा तरह से हमारा भात भी पूरा पक गया है, देखिए पूरा रेडी है। और हम गुल्लू को पकड़े हुए दोस्तों, गुल्लू जी चूल्हा में जाने का कोशिश करते रहते हैं, छूटते हैं चूल्हा, बहुत परेशान करते हैं ना, तो एक जन को पकड़ना पड़ता है दोस्तों, तब मार पसा देते हैं। हमारा फाइनली हो गया भात, तो भात अब कढ़ाई बैठा दिए हैं। तो देख सकते हैं हम थोड़ा सा जीरा दे दे रहे हैं और फिर गरम हो जाएगा ना अच्छा तरह से, चटक जाएगा। और अभी थोड़ा सा लाल मिर्ची दे दे रहे हैं दोस्तों चटकने के लिए, और गुल्लू काफ़ी परेशान कर रहा, थोड़ा सा तेजपत्ता है दोस्तों जो दे दे रहे हैं। अच्छा सभी को मिला लेते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद हमारा अच्छी तरह से जो चटक जाएगा ना तो फिर हम प्याज भी दे देंगे, और गोटा गोटा प्याज है जो हम निकाल के हटा देते हैं, और बाकी प्याज हम दे देते हैं दोस्तों। और जो कुछ प्लेट में बचे हुए हैं ना उसको मसाला के साथ हम ऐड कर देंगे दोस्तों। तो चलिए थोड़ा सा ब्राउन होने देते हैं प्याज को। तो चलिए दोस्तों सारा चिकन को हम निकाल लेते हैं कटोरा में, और सभी को धोने जाएंगे ना अच्छी तरह से, जो गंदा वंदा जो रहता है ना हल्का हल्का, तो सबको हटा देंगे अच्छी तरह से। उसमें लेग पीस भी है कितना बड़ा है, और अब जा रहे हैं धोने के लिए।
तो हमारा प्याज एकदम तरह से गल गया है, देख सकते हैं इतना थोड़ा सा हो गया गल कर, ये देखिए। अब इसमें हम अपना चिकन देंगे, देखिए लेग पीस है दोस्तों, ये देखिए सारा दे देते हैं। सभी को चला लेंगे, बड़ी मजा आएगा दोस्तों खाने में, बहुत ही टेस्टी बन रहा है। बहुत दिनों के बाद बना रहे ना, वो भी चूल्हा पे, और भी अच्छा लगेगा खाने में। तो दोस्तों उसको अच्छी तरह से भी भून लेते हैं, तब तक हमारा इधर भुंजा जाएगा और इधर हम मसाला रेडी कर लेते हैं। देखो तो हम ले लिए हैं लहसुन, ले लिए हैं 2-3 पोटी, और लाल हरा मिर्ची ले लिए हैं, और थोड़ा सा धनिया और जीरा ले लेते हैं दोस्तों। ये देखिए इतना आप अपने हिसाब से, और कुछ थोड़ा हमको लाल मिर्ची ज़्यादा नहीं, 2-3 दीदी दे दे रहे हैं मिर्चा, हो गया। इतना में हमारा मसाला रेडी है, और ये कटे हुए प्याज, ये प्याज नहीं देंगे बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। चलिए हम इसको पीस लेते हैं। चलिए दोस्तों नंदिनी का मसाला हम पीस लेते हैं, क्योंकि वो अपना चूल्हा देख रही है दोस्तों, भूंज भी रही है अपना। लगता है पानी डालना पड़ेगा, पूरा टाइट हो गया है दोस्तों, थोड़ा सा पानी ले आते हैं। मिक्सी की आवाज़ सुन के दोस्तों आ गया था। देखिए हमारा पिसा गया है पूरा बढ़िया से, अब चलते हैं लेके नंदिनी के पास। हमारा मसाला रखिए, हुआ नहीं भुंजाया नहीं अभी तक, अभी तक भुंजाया नहीं दोस्तों। इतना अच्छा से भुंजेंगे दोस्तों, उतना अच्छा से हमारा चिकन का टेस्ट आएगा। चलिए अभी बहुत लड़ा हो गया, अब हल्दी नमक लेके आइएगा तो ना, हेल्दी नमक लेते हैं। नहीं तो यही दोस्तों, सारा सामान लाना पड़ता है अगर बाहर में खाना बनाना पड़े तो, ये कोई बात नहीं, ऐसी मजा लीजिएगा खाने का। तो गुल्लू भी लेके आ रहा दोस्तों हल्दी का डब्बा, हम नमक का डब्बा ले जा रहे। गुल्लू मम्मा का हेल्प करेगा, सीख रहा है धीरे धीरे काम करना दोस्तों। चलिए गुल्लू जी आ जाइए यहाँ लेके, आराम से बेटा आराम से। हथौड़ी का क्या काम है, तुम हथौड़ी उठा रहा? देखिए कितना बदमाश है, जो करने का नहीं वो काम करता है वो। लो नमक, तुमको हल्दी ले जाने बोले ना, ये देखिए यह नाचने लग गया, यही काम करने बोले हैं, नाचने बोले हैं। चलो चलो चलो, नेटा चाटी भी हो रहा है, इसका नेटा निकलने लग गया दोस्तों, पूछ देते हैं। जल्दी जाओ मम्मी को, देखो जाओ 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 जल्दी जल्दी जाओ जल्दी जाओ। अभी बगल में गाना बज रहा ना दोस्तों, उसको सुन के नाचने लगता है। जाओ मम्मी को दे दो, जाओ जा मम्मी इधर है मम्मी, लो लो उसे लो ला दे दो मम्मी को। हाँ तो होशियार हो गया दोस्तों, हल्दी उल्दी दे देते हैं। हाँ हल्दी नमक सब दे दे रही है नंदिनी दोस्तों, काफ़ी टेस्टी बन रहा है चूल्हे पर खाना हमारा आज। तो मेहनत भी तो लग रहा है। हाँ तो लकड़ी भी है ये हमारे पास दोस्तों, सारी लकड़ियाँ भी जल जाएगी साथ में, और खाना भी बन जाएगा हमारा। फ्राई हो गया बढ़िया से, हाँ थोड़ा सा आर होने दीजिए, तब तक हल्दी नमक दिए ना, थोड़ा सा आर भुंजाने दीजिए। हाँ देखिए तो कितना अच्छा तो मसाला देंगे, अब लग रहा था कि हम अभी खा ले, खा नहीं सकते, सिस्ट गया है। पूरी तरह से फ्राई हो गया दोस्तों बढ़िया से एकदम, अब नंदिनी इसमें डालेगी अपने मसाले। पिसे हुए मसाले भी नंदिनी अब डाल दिए, उसको अच्छी तरह से पूरा भूंज लेगी दोस्तों कि कच्चा ना रहे मसाला। और देखिए गुल्लू तो मत पूछिए, वो तो हमेशा परेशानी करते रहता है, वो तीखा वाला छू रहा है, उसका आँख उग लहरेगा, आँख मेहनते रहता है हमेशा। तो चलिए अभी तो हमारा चिकन अब फ्राई होगा, मसाला वसाला सारा भुंजा गया एकदम बढ़िया से, देख सकते हैं एक नंबर पूरा भुंजाया हुआ, पूरा लाल करके मसाला भुंजा, चिकन भूनते भूनते सीज गया है। अब वो मसाले वाले पानी डाल दे रही है नंदिनी, फिर इसको 10 मिनट तक बस पकाना है, फिर तो रेडी हो जाएगा, फिर आप सभी मिलके हम लोग मिलके खाएंगे दोस्तों। तो हमारा चिकन पूरा बन के रेडी हो गया है,
अब हम दे देते हैं धनिया पत्ता, देख सकते हैं देखिए कितना सुंदर लग रहा है। चलिए दोस्तों अब पूरा रेडी हो चुका है, अब उतरेगा हमारा चिकन दोस्तों। गुल्लू भी थाली लेके रेडी है, तब मिलेगा चिकन नर्ड, मिलेगा भी तब मिलेगा। चलिए निकलते हैं खाना, खाना निकलेगा दोस्तों। चलिए गरम गरम खाना निकलेगा। गुल्लू नहीं, गुल्लू दूर रहो दूर रहो दूर रहो, गुल्लू तो बैठे जाता है इतना। आज मजा आएगा दोस्तों, दो थाली में निकाल रहे हैं। आज अलग अलग निकल रहा का है, बहुत दिनों के बाद आज अलग अलग थाली में निकाली है नंदिनी, बहुत दिनों बाद। मतलब अभी तक तो एक बार सिर्फ थाली अलग हुआ है, आज दूसरी बार हो रहा है। आप जानते हैं कि चिकन ही चीज में होता है, आप थोड़ा खाएंगे बेसी करके वो देखेंगे। कितना सुंदर लग रहा है। हाँ बेटा जी, देखो 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 खाएंगे हम लोगों को खाएंगे को। चलिए दोस्तों अब तो हमारा थाली भी निकल चुका है, गुल्लू तो देख ही रहा है, खाएगा है नहीं, लग रहा ही पहले खाएगा, खाएगा ना, खाली ऐसा बोल रहा है तुम। हटो हटो हटो, गुल्लू छूना नहीं, गरम है ना। निकल गए दोस्तों खाना, आप लोग भी खा लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट। चलिए दोस्तों तो खाना निकल चुका है, चलिए तो अब हम लोग खाते हैं दोस्तों। आप लोग भी जिनको पसंद है नॉन वेज तो खाइए दोस्तों, जिनको नहीं पसंद है तो नहीं खाइए, उसके लिए सॉरी। और अभी बहुत दिनों के बाद खा रहे तो खिला दे रहे हैं आशीष जी को। कैसा बना? अलग थाली निकला है दोस्तों आज। हाँ बेटा बहुत टेस्टी है दोस्तों मुर्गा। चले तो तब अपना अपना थाली खाया जाएगा, बहुत खिला दिया, एक और खिला, एक और मेरे को आपस दे दीजिएगा। ठीक है चलिए दोस्तों तो ब्लॉग का हम लोग यही एंड करते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों हमारे वीडियो को, और हमारे वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। तो बाय बाय, और गुल्लू भी नाच रहा है, बाय 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 ना, ये गाना बज रहा है दोस्तों उसी में नाचता है। बेगाना शादी में दूल्हा दीवाना वाला है।